12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण शुरू हो गया है। टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगा। इसके लिए बच्चों को आधार कार्ड या स्कूल का आईडी कार्ड लाना होगा। केंद्र ने मंगलवार को इस बारे में राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी है। एक रिपोर्ट। से 12 साल से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। WHO के सदस्य ने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन काफी लाभदायक साबित होगी, क्योंकि लंबे समय से बच्चे और अभिभावक वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। भारत सरकार की ओर से अब तक जितनी भी वैक्सीन को मान्यता दी गई है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। कि अभी तक जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, चाहे वो शुरू में कोविशील्ड अप्रूव किए थे, कोवैक्सीन अप्रूव किए थे, स्पुटनिक अप्रूव किए थे, बाकी और भी वैक्सीन अप्रूव किए थे 18 साल से जो ऊपर लोगों में, और 15 साल से जो 17 साल के बीच में कोवैक्सीन भी अप्रूव हुआ है, वो सब अप्रूव तब किए हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये उनको प्रूफ हो गया कि ये वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव भी है। तो जितने भी कंपनीज ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके ट्रायल्स के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, उसका पूरा स्टडी होता है, उसके बाद ही वैक्सीन अप्रूव होता है। राजधानी रांची में वैक्सीन देने के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सदर अस्पताल भी शामिल है। सदर अस्पताल में आज 12 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन विनोद कुमार ने कहा कि राजधानी रांची में तैयारियां पूरी कर ली गई थी, 2,11,000 बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। कल ही हम लोग आया है भारत सरकार की तरफ से कि 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करना है, तो उसमें 12 से 13, 13 से 14 जो भी हैं, 14 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 15 साल में, लेकिन बाकी जो 12 से 13 साल 14 साल के बच्चे हैं जिनकी संख्या अनुमानित संख्या 2,11,000 इस पूरे ज़िले में, उनका वैक्सीनेशन आज से स्टार्ट होना है। तो आज फॉर्मल हम लोगों का इनॉग्रेशन होगा और जितने भी बच्चे आएंगे उनको हम लोग देंगे। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने के बाद अभिभावक लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ओर से अच्छी पहल की गई है, क्योंकि बच्चे घर पर ही रह रहे थे और वैक्सीन लगने के बाद अब निश्चिंत होकर बाहर जा सकेंगे। बच्चे का इंजेक्शन अब लग चुका है, हो गया है, उसके लिए हम लोग बहुत खुशी हुए और बहुत दिन से इंतजार था कि बच्चे लोग का कुछ निकले। अब उससे मैंने हम लोग फ्री हो गए, पेरेंट्स लोग फ्री हो गए, टेंशन मुक्त हो गए, बच्चे लोग बाहर जाए, थोड़ा सा खेले, उसके लिए बहुत खुशी लग रहा है कि ये सरकार हम लोग का ये हल कर दिए, ये समस्या का हल हो रहा था। इसीलिए हम लोग डर से पेरेंट्स को स्कूल नहीं भेज रहे थे, स्कूल वहाँ से बोला भी गया कि आप बच्चे को भेजिए, हम लोग वहाँ पे ना बोल दिए कि नहीं ऑनलाइन होगा, वो हम लोग करेंगे लेकिन स्कूल बच्चा नहीं भेजेंगे। अब हो गया, इंजेक्शन लग गया, अब बच्चे को फ्री हम लोग भेज सकते हैं स्कूल। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था। लगभग 2 साल से बच्चे घर से ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, लेकिन अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत हुई है, जिससे लंबे समय से घर पर रह रहे बच्चे बेफिक्र होकर अपने दोस्तों के साथ खेल पाएंगे और स्कूल भी जा पाएंगे। आज हम लोग को वैक्सीन मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम लोग स्कूल भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, और हम लोगों को यही, दूसरे बच्चों को यही सलाह देते हैं कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और इसे दिलाने का प्रयास करें। खुशी ने मतलब अब स्कूल जा सकते हैं, अब स्कूल भी खुलेगा। सब घर में सबको ले लिया था, भाई बहन सबको, बस मेरा ही लास्ट था, अब मेरा भी हो गया, अब सेकेंड डोज भी लगने वाला है। हाँ, पहले हम लोग को मम्मी पापा स्कूल भी नहीं भेजते थे क्योंकि वैक्सीन नहीं लगा था, तो आज लग गया तो अब स्कूल जा सकते हैं। पहले डर था और निकलते भी नहीं थे घर से हम, तो अब ऑनलाइन क्लास से अब ऑफलाइन क्लास होगा तो हम स्कूल भी जा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभिभावक लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन मिलेगा, जिसको लेकर राजधानी रांची और पूरे झारखंड में तैयारियां पूरी हो गई है। पूरे झारखंड में 16 लाख बच्चों को वैक्सीन मिलेगा। और बात अगर राजधानी रांची की करें तो राजधानी रांची में 2,11,000 बच्चों को वैक्सीन मिलेगा, जिसको लेकर राजधानी रांची के 3 सेंटर में तैयारियाँ पूरी हो गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप।